बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ईद आ गई माशाल्लाह। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह करे कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे, अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ, प्यारों के साथ बहुत अच्छी गुजरे आपकी ईद। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान में रखे, खुशियाँ दे, सुकून दे, सेहत दे, सलामत रखे। ऐसी ईदें सबकी आएँ और खुशियाँ साथ लाए। तो आज हमारा 30वां रोज़ा था, 30 रोज़े पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह संडे है और ईद है हमारी। तो अभी सवैयाँ बन रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ और आप सबको ईद मुबारक कह दूँ, बात कर लूँ। तो रमज़ान भी हमारा बहुत अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी तो थी, लंबे रोज़े थे, बहरहाल शुक्र है अल्लाह का बहुत अच्छे गुज़रे। उम्मीद है कि आप सबके भी बहुत अच्छे गुज़रे होंगे और अल्लाह सब की इबादतें कबूल फरमाए और गुनाह माफ़ करे और इस वबा से अल्लाह सबको बचाए जो आई हुई है। तो बस ईद जो है घरों में ही पढ़ेंगे सारे, कहते हैं मस्जिदों में उस तरह ना आए ज़्यादातर, क्योंकि गैदरिंग सोशल डिस्टेंट कहते हैं रखो, गैदरिंग का कहते हैं ना करो, और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ गुजारें वक्त वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सेवियाँ बना रही थी मैं, तो इसमें एक पैकेट अहमद की सेवियाँ जो होती हैं रोस्टेड बारीक वाली वो हैं, 1 गैलन दूध था, रेगुलर दूध जो होता है, और 2 कप शुगर थी। और सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके तो बस चढ़ा दी हैं। तो पहले उबलना शुरू हुआ तो फिर मैंने चूल्हा हल्का कर दिया, फिर पकती रही। 2 घंटे तकरीबन हो गए हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे हिला के देख लें नीचे तो नहीं लग रही, क्योंकि हल्का चूल्हा हो फिर तो इतनी जल्दी नहीं जलती, तेज़ हो फिर उबल भी जाती हैं और लग भी जाती हैं। तो मीठे जो होते हैं ख़ास करके उनको साथ खड़े होके पकाना चाहिए। तो बस ऑलमोस्ट रेडी हैं, बहुत मज़े की बनती हैं, सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने भी सेवियाँ बनाई होंगी। कैसी बनी सबकी ईद, कैसी गुजरी बताना। तो अब ये देखें जी रेडी हो गई हैं, अब मैं इनको डोंगे में डाल के रखूँगी। ये देखें माशाल्लाह तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैंने ये देखें डोंगे में डाल दिए हैं और ठंडी हो जाएंगी, फिर फ्रिज में रखूँगी। तो ओके जी, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।